तो सत श्रीकाल जी सारे नू गाइस, ते मैं थोड़ा अपना योगेश, ते वेलकम बैक टू सार्कास्टिक ड्यूड्स। ते गाइस, अज दी जिहड़ी वीडियो होएगी इह न्यू कमर्स दे लई होएगी, भावें उह मई इनटेक च आ रहे ने, भावें उह सपटंबर इनटेक च आ रहे ने, भावें उह आउणगे जनवरी इनटेक दे विच, बट स्टैप्स सारे सेम रहणगे। ठीक है, ते अज दी जिहड़ी वीडियो हैगी आ उह हैगी कि कीहड़ियां कीहड़ियां चीज़ां सानूं कैनेडा आउण तों बाद करनियां पैणियां जां जरूरी ने करनियां। ठीक है, मैं शुरुआत ही थोड़ी जी है एयरपोर्ट तो कर दिना। सारे नूं पता है कि एयरपोर्ट तो की चीज़ा, बट स्टिल मैं एक बार दोबारा तुहानूं रिमाइंड करवा दिंदा। ठीक है जी, पहला तुहाडा इमीग्रेशन कंप्लीट हुंदा, जदों तुहाडी इमीग्रेशन डन हो जाती है तां फिर उह तुहानूं एक स्टडी परमिट इशू करदे ने, जिहड़ा कि तुहाडे स्टडी दे हिसाब नाल मिलदा। जे तुहाडा डिप्लोमा है तां तुहानूं 2 साल दा मिलेगा, अगर तुहाडी डिग्री है तां तुहाडी डिग्री दी ड्यूरेशन दे हिसाब नाल तुहानूं स्टडी परमिट जिहड़ा हैगा अलाउ कीता जांदा है जां तुहानूं इशू करता जांदा। ठीक है, तो जो थानू थोड़ा स्टडी परमिट मिल जाता तो उत्थे 2 चीज़ा होंदिया ने, या जे तो तुसी वर्किंग आवर्स दे विच तुहाडी फ्लाइट जिहड़ी हैगी आ उहो लैंड हुई है तो थानू सिन नंबर जिहड़ा हैगा थानू उत्थे ही प्रोवाइड कर दिंदे ने इमीग्रेशन ऑफिसर, अदरवाइज थानू सर्विस कैनेडा, हाँ जी सर्विस कैनेडा जिहड़ा भी थोड़े नियर बाय हैगा थानू उत्थे जा के नैक्सट डे अप्लाई कर मतलब कि लैना पैंदा। उह उह ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 या हद 15 मिनट ही लगते हैं, फॉर्म छोटा जिहा फिल करवाते हैं तो राइट अवे थानू सिन नंबर इशू कर देंगे ने। ठीक है, तो दो चीज़ एक चीज़ का ध्यान रखियो, जो भी तुसी कैनेडा जा सर्विस कैनेडा जा रहे हो एक बार उन्होंने कॉल कर लियो कि वॉक इन हैगी या थानू अपॉइंटमेंट लैनी, जो अपॉइंटमेंट लैनी पेगी तुसी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक कर सकते हो अपनी, तो जे वॉकिन ना तो फिर तो वेल एंड गुड, आराम ना जाओ तो अपना जो सिन नंबर है वह ले आओ। ठीक है, तो इस तो बाद अपना नैक्सट स्टैप की गल करते हैं। तो हाँ जी गाइस, नैक्सट स्टैप हैगा जो गाइस अपना तुसी सिन नंबर पिक कर लेंगे हो तुसी की करना है? अपना बैंक अकाउंट जो कि तुसी GIC अकाउंट इंडिया तो खुलवाया सीगा वह ओपन करवा जाना। मेक श्योर करो कि तुसी अपने डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट तो जिहड़े भी थानू इमीग्रेशन कंसल्टेंट इंडिया तो जिहड़े डॉक्यूमेंट्स थानू दित्ते सीगे थोड़ा यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है ना, वह अपने नाल लैके जाना है। ठीक है, तो सिन नंबर भी अपना नाल लैके जायो। जदों तुसी उत्थे पहुँच जाते हो थोड़ा जिहड़ा भी एडवाइजर होएगा फाइनैंशियल एडवाइजर थानू उत्थे दसेगा थोड़े अकाउंट के बारे, ठीक है, तुहाडे की चार्जिस रहणगे सारा कुछ A to Z थानू उत्थे प्रोवाइड मतलब कि नॉलेज प्रोवाइड करती जाएगी। तो मेक श्योर करो तुसी अपना जिहड़ा हैगा आ क्रेडिट कार्ड भी उन्होंने पुछना तुहानू कि अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं, बट मेक श्योर करो कि तुसी अप्लाई करो क्योंकि बहुत ज़्यादा यह जिहड़ी कंट्री है यह क्रेडिट ते ही चलती, तुहाडी क्रेडिट हिस्ट्री ते चलती है। ठीक है, सो क्रेडिट कार्ड बिल्कुल अप्लाई करना ही करना आपां। ठीक है, तो नाल ही थानू 2000 जिहड़ा डॉलर थोड़े GIC दे विचों कढ के थोड़े अकाउंट दे विच राइट वे डिपोजिट कर देंगे ने, तो थानू एक डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर देंगे ने। ठीक है, डेबिट कार्ड लै लो तो थोड़ा इतने दूजा स्टैप खत्म होंगे, आप गल करते तीजे स्टैप की। सो ना हुण तीजे स्टैप गाइस की हुंदा कि तीजे स्टैप दे विच तुसी अपना सिम कार्ड लेना हुंदा। सो हुण मैं ये सीकुएंस वाइज चलदा पिया क्योंकि जदों आपां अपना सिन लैना सीगा उहदे लई सानूं स्टडी परमिट चाहिदा सीगा, जो आप बैंक अकाउंट खुलाना से उसके सू सिम नंबर चाहिए, उस तरीके जो आप अपना सिम कार्ड लैने थानू अपना डेबिट कार्ड चाहिए होंगे। मैं सो सीकुएंस वाइज चल रहा कि तुम्हें ईजी रहेगा। सो सिम कार्ड जी है काफ़ी अलग अलग कंपनीज जगह ने सर्विस प्रोवाइड करते हैं कैनेडा के, हम तुम अपनी एरिया के हिसाब ना थोड़े बजट के हिसाब ना थोड़ा प्लान जोड़ा है तुम चूज़ करोगे। तो जो मैं आपकी गल करा तो मैं फ्रीडम यूज़ कर रहा क्योंकि विद इन ब्रैम्पटन बहुत वधिया सर्विस है, चलो इन्नी माड़ी भी नहीं हैगी बट चीप है, मैंने वधिया लगी, ठीक है मेरे लिए ठीक है। सो जो आप डारियो तो बाद सॉरी ब्रैम्पटन तो बाद जाने, हाँ जी खराब हो जाती है, सो तुसी अपने हिसाब से देख लो अपने बजट के हिसाब से देख लियो। ठीक है जी, तो ये थोड़ा अपना फिर अगेन जो डेबिट कार्ड उतो लिया डेबिट कार्ड इतने उन्होंने यूज़ करना क्योंकि वो सीधा की करते ऑटो डिपोजिट लगा देंगे ने। ठीक है, तो उस तो बाद गाइस की करना कि जो तुम अपनी सिम कार्ड स्टडी परमिट सिन नंबर सारा कुछ डन कर लें, बैंक अकाउंट डन कर लें, थोड़ा हुण काम हैगा कि थोड़ी अपने कैंपस के जाओ, कैंपस के जाके जिहड़ा भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट जिहड़ा भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होएगा या उत्थे तुसी जाओ अपनी उन्होंने फ्रंट डेस्क उत्ते हेल्प डेस्क से जाओ तो उन्होंने कहो कि मैं अपनी फोटो ID लेनी है, स्टूडेंट फोटो ID होंगी जी उन्हों की, तो वो ताकि फोटो खिंचन के थानू एक ID इशू कर देंगे ने। मैं वह रीज़न भी दसाँगा क्यों। तो दूजे नंबर पर तुम उन्होंने भी कहना कि सानू मेरी इंश्योरेंस जी भी कंपनी हैगी जितों मेरी इंश्योरेंस हुई है मैंने वो बारे इनफॉर्मेशन देवो, उन्होंने लैटर ऑफ असेंप्टेंस लैनगे तो थानू थोड़ी इंश्योरेंस के बारे जिहड़ी भी कंपनी की हैगी सारी एक इनफॉर्मेशन दे देने कि एक फॉर्म के विच, तो तुसी अपनी इंश्योरेंस कंपनी नू कॉल करके उन्हां दी पॉलिसीज उन्हां दी कवरेजेस वगैरह या उन्हां दी तुसी पुछ सकदे हो कि थोड़ी जिहड़ी इंश्योरेंस जिहड़ी हैगी आ उह एक्टिवेट होई है कि नहीं, अगर नहीं होई तो तुसी राइट अवे उहनूं एक्टिवेट करवाओ। ठीक है, क्योंकि इत्थे चक्कर की है कि हैल्थ जिहड़ा सिस्टम है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है
इस चीज़ का ध्यान रखियो। सो हाउ ना हूँ आप देखते कि थोड़ा मैं क्या सीगा फोटो आई डी लैंदा। फोटो आई डी का कारण यही सीगा कि जो तुम अपना प्रेस्टो कार्ड बनवा जाते हो ना, तो जो तुम अपनी फोटो आई डी स्टूडेंट आई डी दिखा देंगे तो जो फेयर होंगे वो घट लगना शुरू हो जाता एज़ कंपेयर टू अडल्ट। ठीक है, तो उन्होंने तुम कह सकते हो कि मैं स्टूडेंट हाँ, मेरी आई डी है, तो थोड़ा राइट अवे थोड़ा प्रेस्टो कार्ड जो प्रेस्टो कार्ड हूँ बस पास इशू कर देंगे जिदा फेयर घट हों बाकियों के कंपेटिवली। ठीक है, तो जो वंस तुम आह डन कर लेंगे हो गाइस, तो हूँ आप गल करांगे कि रेजीडेंशियल प्रूफ जो साढ़े लिए मतलब जिते तुम रह रहे हो ये प्रूफ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी तुम जॉब लैन जाते हो या कोई भी चीज़ नवी लैनी होंगी है या कुछ भी कई मोस्ट ऑफ द टाइम साढ़े को प्रूफ जो है मंगते ही मंगते रेजिडेंशियल प्रूफ। तो वो आप कर सकते हैं, वो दो चीज़ा ने, एक तो हैगी है जी ओंटारीओ का कार्ड बन जाता है, एक वन कार्ड मैं तुम्हें नाम ले दिना तो वह बनवा सकते हो। दूजे नंबर के उत्ते की है गाइस, दूजे नंबर पर तुम अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वह बनवा सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस के बीच थोड़ा एक पेपर देना पैंता छोटा जहा जी वन के लिए, सो अदर लैवल्स होंगे ने जी वन जी टू। ठीक है, तो जे थोड़ा एक इंडिया एक्सपीरियंस है वन ईयर तो ज़्यादा तुम सीधा जी टू दे सकते हो, अदरवाइज सूँ जी वन देना पैंता। जी वन के रिटन टैसट हों प्रैक्टिकल नहीं हों, तो जो तुम जी वन प्रवा अपना क्लीयर कर जाते हो तो थोड़ा एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता, जो साल बाद जी टू देना हों जो प्रैक्टिकल टैसट हों तो कार चलाने एलीजिबल हो जाते हो। बट जो थोड़ा टैसट इंडिया एक्सपीरियंस है तो राइट अवे जी टू लै सकते हो, वो एलीजिबल हो जाते हो, तो क्लीन क्लीयर करके गड्डी चलाने एलीजिबिलिटी हासिल कर लेंगे हो। ठीक है, तो आह दो चीज़ा ने गाइस, तो इन्हों से दो थानू वधिया लगती हो तुम कर लो, मैं तो प्रैफर कराँगा कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस ही बनवाए वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आह कुछ चीज़ा सी जो कि मैं चाहता कि तुम सारे जने आके डन कर लियो। अगर किसी चीज़ की जरूरत पैंती किसी हैल्प की लोड़ पैंती है थानू तुम मैं मैसेज कर सकते हो, मैं डेफिनेटली कोशिश करांगा थोड़ी हैल्प कर सका जिनी तो जिनी हो सकती है। ठीक है, तो एक छोटा जहा मैसेज हैगा उन्होंने लिए जो कि नवे आ रहे हैं, तो गाइस जोड़े भी नवे मेरे वीर भैन आ रहे हैं थानू सब तो पहला तो बहुत बहुत मुबारक तो वेलकम टू कैनेडा। तो मैं थोड़ा एक चीज़ दसना चाहता कि यह कंट्री के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत ज़्यादा ने, बस जे थोड़े को एक मिस भी हो जाती है बिल्कुल निराश नहीं होना, बहुत आनगियाँ, बस तुम रेडी रहो। ठीक है, तो थोड़ा सर्कल अपने सर्कल में बिल्कुल फिल्टर करके रखना, बिल्कुल गलत सर्कल च ना पियो, क्योंकि जिनी इतने पॉजिटिविटी जिनी इतने अपॉर्चुनिटीज़ है ना उन्नी नैगेटिविटी भी है। हुण थोनू जिहड़ा हैगा अपने आप में डिसाइड करना पैना कि किस वे आप जाना। ठीक है, इन्नी दूर अपने माँ बाप तो आए आप वधिया चीज़ा सीखांगे वधिया चीज़ा करांगे तो उन्होंने भी प्राउड फील होएगा। ठीक है, तो ये आप एंड कर दे वीडियो का गाइस, होप करांगे कि थोनू वीडियो पसंद आई होएगी, तो अपना ध्यान रखना।